तो व्हाट्स अप गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का 3-3 टीडीएम चल चुका है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग जाप को, दादा को देखते हैं, ये टाइनक्स हैं, तो देखते हैं कैसे स्प्रे करते हैं ये दादा को देखते हुए। देखते हैं दादा के सामने हरजाप, दादा के सामने हरजाप है और फर्स्ट किल निकालती हुई बिल की टीम और सामने साटा भी चले गए, नॉक पड़ गए, फिनिश ऑफ भी कर दिए जाएंगे। लेकिन इधर हरजाप जाते हुए एक बंदा पीछे और सामने देखा जाए तो मेरे को लगता है कि कोई टेक्निकल इशू आ चुका है यहाँ पर अजय पाल का, और ये नेट करके मेरे को लगता है कि आत्महत्या करना चाह रहे हैं, और ये मेरे को लगता है कि ऐसे ही कोई सीन है इनके साथ, इनका सारा नेटवर्क इशू चला गया है। हाँ ऐसा ही है कुछ, लेकिन दो बंदे तो देख सकते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनके हरजाप भी देख लो लगातार, हरजाप एक किल निकालते हुए बहुत सही ओपी वाला, लेकिन अजय पाल का अभी तक नेटवर्क नहीं आया है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात हो सकती है पाकिस्तान की टीम के लिए। तो अगली बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर साटा और हरजाप अरे आ गया, चलो अजय पाल का भी नेटवर्क आ गया, देखते हैं क्या करते हैं। आती आती पहले ही किल निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ते हुए एक बंदे को धाराशाही करते हुए आगे की तरफ देखते हैं कि अभी क्या करवाते हैं। अजय पाल के आने के बाद कुछ चेंजेस हो गए मैच में, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ही ज़्यादा लीड में जा चुकी है पाकिस्तान की टीम के अलावा। तो यहाँ पर दादा का स्प्रे, लेकिन साटा भी बहुत खूब खेल रहे हैं, तो दादा जा रहे हैं फिर से यहाँ पर टाइनेक्स इंडिया की टीम के टाइनेक्स को भी ले चुके हैं हरजाप, जिन्होंने की दो बंदों का फायर आया था। तो साटा एक और बंदे को ले सकते हैं, इधर अजय पाल को देखते हैं, अजय पाल ने डैमेज तो किया है, लेकिन अजय पाल अरे भाई बहुत खूब खेला है ये बंदा, इसके पास ग्लेशियर है। अरे 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 चलो, फिर भी इंडिया वाले भी कम नहीं है। दादा लोग दादा वर्सेस साटा क्या लगता है कि साटा भाई साहा बहुत तेज हो रहा है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो साटा की हेल्थ बहुत ही लो होती हुई और दादा इसका एडवांटेज लेते हुए साटा को फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। अजय पाल इस तरफ गेट को कर रही है, लेकिन पीछे से स्कल का बहुत ही ओपी वाला, अरे हरजाप को भी ले गया, दो बंदे ले गया स्कल, अरे ओपी गेम प्ले बाय इंडियन जीरो स्कल। तो इंडिया की टीम अभी आगे चल रही है पाकिस्तान की टीम से, तो गाइस हरजाप को भी ले चुके हैं। इंडियन टीम बहुत ही ज्यादा धाराशाही करती हुई, यहाँ पे स्कल का बहुत ही प्यारा नेट जाता हुआ, लेकिन स्कल ने अजय पाल को भी फिनिश कर दिया है। इंडियन टीम के स्कल बहुत ही ओपी वाला प्रदर्शन करते हुए इंडियन टीम के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग, स्कल के 10 पॉइंट्स हो चुके हैं, 10 फिनिशेस हो चुके हैं, और सामने अजय पाल देखते हैं अरे अरे दादा को लेते हुए अजय पाल विद ग्लेशियर एंड 14। तो यहाँ पे दादा भी नेट को करके फेंकने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान टीम पे, यहाँ पे अरे नेट से बहुत डैमेज ज़्यादा हो ले को अजय पाल को लेके, लेकिन साटा का बहुत ही प्यारा, अरे स्कल का भी बहुत ही प्यारा कवर फायर आता हुआ, हरजाप वर्सी दादा हरे पाकिस्तानी टीम के। दादा भी बहुत अच्छी प्रदर्शन करते हुए, हरजाप भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जो कि सीज़न 1 से खेल रहे हैं। यहाँ पे स्कल भी कम नहीं है, स्कल भी सीज़न 2 से हैं, 12 किल करके बैठे हैं। और गाइस अगर आप लोगों को चैनल पे कुछ भी अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम आप लोगों के लिए ऐसे ही रीजनल इंटरनेशनल मैचेस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं कि स्कल का बहुत ही प्यारी स्प्रे जाती हुई, यहाँ पर साटा नेट को करके नेट को किया, क्या काम कर पाएगा, हाँ जी हाँ दादा को लेगी, लेकिन अजय पाल ने भी बहुत अच्छा स्प्रे जाता हुआ। यहाँ पे स्कल वर्सेस अजय पाल, लेकिन स्कल भी कम नहीं है ब्रो, किसी से कम नहीं है इंडियन टीम भी। यहाँ पे फिर से स्प्रे करने की कोशिश, इतनी कम एच पी पे भी मेरे को लगता है कि यहाँ पर फिनिश ऑफ हो जाएंगे। साटा को भी खतरा हो रहा है, दादा की तरफ से स्प्रे आ रही है, बहुत प्यारी स्प्रे आती हुई, अजय पाल स्कल को फिनिश ऑफ कर देंगे और दादा पे भी थोड़ा सा डैमेज कर देंगे। और रे भाई 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 क्या खेला रे, क्या तो हेडशॉट पड़ा रहे अजय पाल को। मेरे को लगता है कि पाकिस्तानी टीम का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इनके अजय पाल जब 15 पॉइंट्स क्रॉस कर गए थे तभी टीडीएम को ज्वाइन किए थे,
तो गाइस होपफुली आप लोगों को मेरे को लगता है कि ये वाला टीडीएम मैच 3v3 पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि इंडियन टीम आराम से ले लेगी चिकन, आराम से मेरे को लगता है कि टीडीएम बैटल ले जाएगी और साथ ही साथ 3 रॉयल पास गिव अवे भी ले जाएगी। अरे भाई साटा का भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान के भी मेरे को लगता है कि इनका नेटवर्क इशू के कारण थोड़ी सी कमी रहेगी। चलो कोई नहीं, लव यू पाकिस्तान, लव यू इंडिया बोथ, आई कैन नॉट हेट फ्लाइंग विद ईच अदर। तो गाइस आगे देखते हुए अजय पाल को भी बहुत ज़्यादा डैमेज देते हुए भरो। अरे अगर देखा जाए तो इंडियंस कल के 15 किल और लाइन नेक्स्ट के भी 15 किल, यहाँ पर मैच ओवर होता है और इंडियन टीम ने कर लिया है चिकन डिनर विक्ट्री।